आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। यह है कॉन्गो की तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्टिंग की कॉन्गो पैक। हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट को हम किस किस पर्पस पे यूज़ कर सकते हैं और ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं इस बारे में। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं इस प्रोडक्ट के पैकेजिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये बिल्कुल एक पतली सी पन्नी के अंदर आता है और किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसको खोलने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी किसी भी तरह की अच्छा पैकेजिंग नहीं है, सिर्फ इसके अंदर डाल दिया गया है प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले इधर जो मिलता है वो है एक HDMI केबल। मैंने इसको पहले भी एक बार अनबॉक्सिंग कर लिया था और मैं लगभग इसको 1.5 से 2 महीना तक यूज़ कर चुका हूँ। तो पहले हमें ये HDMI केबल मिलता है, ये लगभग 1.5 मीटर का है और काफ़ी पतला है। इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा तो नहीं है बिल्कुल भी, काफ़ी पतला है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये है एक OTG जैक जो कॉन्गो की तरफ से ही है, इस पे कॉन्गो का ब्रांडिंग भी है। ये चीज़ मुझे अच्छा क्वालिटी का लगा है, ठीक ठाक क्वालिटी का है ये OTG जैक। नेक्स्ट चीज़ है कैप्चर कार्ड, यही मेन यूनिट है इसका, ही ज़्यादातर अमाउंट इसके लिए ही है इस कॉम्बो के अंदर। तो ये कैप्चर कार्ड मेटल फिनिश के अंदर आता है, मेटल कवर के अंदर, और इस तरफ HDMI का स्लॉट है और इस तरफ। तो इसको भी साइड में रख लेते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। ये है एक यूज़र मैनुअल और एक कार्ड, और ये है फाइनल प्रोडक्ट, एक 3-in-1 HDMI कन्वर्टर जिसमें फुल टाइप HDMI से मिनी एंड माइक्रो HDMI पे कन्वर्ट करता है। ये 3-in-1 HDMI कन्वर्टर में किसी भी कंपनी का ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन इस कॉम्बो पैक में जो मेन यूनिट यानी कि जो कैप्चर कार्ड है उस पर कॉन्गो की ब्रांडिंग है। तो फील वाइज ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, हाथ में मेटल बिल्ड क्वालिटी है। तो इस प्रोडक्ट को हम किस किस काम में ले सकते हैं, ये इस कॉम्बो का मेन यूनिट यही है। हम जानेंगे इस प्रोडक्ट को हम किस किस काम में यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इसके साथ किसी भी तरह की लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह का काम कर सकते हैं, यानी कि आप अगर फ़ोन पे गेमिंग करते हैं तो फ़ोन से इनपुट लेके इससे PC के अंदर लेके वहाँ से आप लाइव स्ट्रीमिंग या फिर ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक अच्छा खासा कैमरा है जिस पे HDMI आउटपुट है तो आप उस कैमरा का फीड लेके कैमरा को एज ए वेब कैम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मिररलेस या फिर DSLR को। और थर्ड यूज़ जो है, अगर आपका कैमरा का डिस्प्ले फुल्ली आर्टिकुलेटेड नहीं है और आपको एंगल में जब आपका कैमरा रहता है तो उसको मॉनिटर करने में काफ़ी दिक्कत आता है, तो इस प्रोडक्ट के ज़रिए आप अपने कैमरा का फीड PC या फिर लैपटॉप पे ले सकते हैं और वहाँ से आसानी से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके मदद से आप अपने स्मार्टफोन को एज एन कैमरा मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इस कैमरा का जो आउटपुट होगा HDMI के आउटपुट को इस PC के अंदर मॉनिटर करूँगा इस कैप्चर कार्ड के मदद से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस कैमरा का HDMI पोर्ट पे जाना होगा। यहाँ पर है इस कैमरा का HDMI पोर्ट जो कि एक मिनी HDMI है, तो हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ये वाला कन्वर्टर, 3-in-1 HDMI कन्वर्टर। ये वाला यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, यह है मिनी HDMI का पोर्ट जो यहाँ पर स्लॉट पे घुसेगा। ओके, इसके बाद हम इस पे HDMI केबल लगा लेंगे। अब HDMI केबल का जो दूसरा एंड है वो जाएगा कैप्चर कार्ड के अंदर। ये रहा कैप्चर कार्ड और इसके अंदर HDMI का दूसरा वाला पोर्शन इधर जाएगा। तो हो गया, अभी हम इसको डायरेक्टली PC के अंदर इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर PC के अंदर जो USB 3.0 का पोर्ट है वहाँ पर इसको लगाएंगे, और रिकमेंडेड है USB 3.0 का पोर्ट, ठीक है। अभी मैं कैमरा को ऑन करने वाला हूँ। कैमरा हो चुका है ऑन, और सिंपली कुछ नहीं करना है, जो नेटिव एप्लीकेशन है विंडोज़ का कैमरा वो ओपन करना है। विंडोज़ कैमरा नेटिव एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर कुछ परमिशन वगैरह के लिए एक्सेस दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैमरा का लाइव फीड है वो यहाँ पर कास्ट हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा मैं ISO वगैरह को बढ़ा देता हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेनू वगैरह जो भी मैं कैमरा पे काम कर रहा हूँ सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। ISO को मैं थोड़ा यहाँ पर बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छे से कैमरा का व्यू जो है वो दिखाई पड़े। तो अभी आप देख सकते हैं कैमरा का जो व्यू है वो बहुत ही आसानी से हमें दिख रहा है मॉनिटर पे। तो ऐसे हम इस तरीके से कैमरा का जो फीड है वो PC ये लैपटॉप के अंदर ला सकते हैं इस सेम प्रोसेस के ज़रिए। लैपटॉप के अंदर बिल्ट इन कैमरा होता है वेबकैम, तो वहाँ पर शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है। बाकी सब कुछ सेम ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो ऐसा कुछ आउटपुट मिल रहा है हमें। और मेरा ये कैमरा थोड़ा जो इसका HDMI आउटपुट है वो थोड़ा अलग है, इसलिए यहाँ पर क्रॉप जैसा आ रहा है। इसको वैसे चेंज भी किया जा सकता है इनफो के अंदर जाके। तो ये फुल स्क्रीन हो गया कुछ तरीके से। तो अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं ये सेम चीज़ हम स्मार्टफोन पे कैसे कर सकते हैं। जो हमारा कैमरा का फीड है वो हम स्मार्टफोन के अंदर लेंगे। तो अभी हम इस कैमरा का फीड को स्मार्टफोन में लेंगे। इसके लिए तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगा एक OTG कन्वर्टर का, जो कि इस कॉम्बो के साथ ही आया था। तो मैं सिंपली इसको लगा लूँगा फ़ोन पे, और जैसे कि हमने इसको लगाया था PC पे, सिमिलरली ये अभी लगेगा स्मार्टफोन के अंदर। इसको लगाने के बाद आपको जो पहला चीज़ करना है वो है आपका कैमरा को ऑन कर देना है। कैमरा हो चुका है ऑन, अभी मैं फ़ोन के अंदर जाता हूँ। तो कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं, मैं इसको एक बार खोल के फिर से लगा लेता हूँ। देखिए कैमरा ऑन है, फिर से इंसर्ट किया। तो कई सारे एप्लीकेशंस है इसको कास्ट करने के लिए अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 2 जो एप्लीकेशन है इसको इंसर्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली रिकमेंड करेगा आपका फ़ोन। तो मैं यहाँ पर 2-3 कुछ एप्लीकेशन ट्राई किया था, उसमें से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ये FPV व्यूअर। OTG कैमरा भी अच्छा है लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा FPV व्यूअर। तो मैं इस पर क्लिक करके जस्ट वंस पे क्लिक करूँगा, और जैसे कि आप देख सकते हो जो कैमरा का फीड है, यहाँ पर कैमरा का जो फीड है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर फ़ोन पर दिखाई दे रहा है। कैमरा का जो डिस्प्ले है वो अगर आर्टिकुलेटेड डिस्प्ले नहीं है तो आप अपने फ़ोन को भी एज एन एक्सटर्नल मॉनिटर या फिर फ्रंट फेसिंग मॉनिटर की तरह यूज़ कर सकते हो वीडियो मॉनिटर करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे क्या ये प्रोडक्ट एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हमें पहले इस कॉम्बो पैक में जो 4 प्रोडक्ट आते हैं उसको पहले देखना पड़ेगा वो कितने रेट पे ऑनलाइन बिक रहे हैं या फिर उसका रेट क्या चल रहा है। तो अगर आप ये 4 प्रोडक्ट का अलग अलग से अमेज़न पे या फिर किसी और साइट पे प्राइस निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉम्बो पैक से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और उसके अलावा भी अगर आप एक सस्ते से सस्ता भी कैप्चर कार्ड खरीदने जाओगे तो आपको वो मिनिमम 700 से 800 के नीचे नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है बिल्कुल, लेकिन ये HDMI केबल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इस कॉम्बो पैक के अंदर।